बाद बांग्लादेश में लगता है दुनिया का दूसरा बड़ा मुस्लिम जमावड़ा। हज के बाद हर साल बांग्लादेश में दुनिया भर से लाखों मुस्लिम आते हैं। ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं, स्टेशन लोगों से भरे होते हैं। ये जमावड़ा ढाका के पास तुरंग नदी के पास लगता है। हाल ही में कोरोना के चलते 2 साल के अंतराल के बाद ये आयोजित हुआ है। जमावड़े का पहला चरण खत्म होने के बाद इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो जाहिर करती है कि जमावड़ा कितना जबरदस्त होता है। ट्रेन अंदर तो पूरी तरह भरी है, जिसे जगह नहीं मिल पाई वो ट्रेन के डिब्बों के ऊपर चढ़ गया। यहाँ तक कि भारी भीड़ ने ट्रेन के इंजन को भी नहीं बख्शा। दरअसल बांग्लादेश में ढाका के बाहरी इलाके में एक सालाना मुस्लिम धार्मिक जमावड़ा लगता है। इसे विश्व इज्तिमा के नाम से जाना जाता है। इज्तिमा का मतलब होता है जमावड़ा। इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। हर साल यहाँ ऐसे ही भीड़ देखी जाती है। इस आयोजन में भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ब्रिटेन सहित कई देशों के श्रद्धालु शामिल हुए। लिहाजा ढाका में तकरीबन हर ट्रेन का यही हाल रहा। इज्तिमा से वापस लौटने वाली भीड़ इज्तिमा मैदान के पास उपलब्ध बसों, मिनी ट्रकों और परिवहन के अन्य साधनों में ठसाठस भरी रही। बांग्लादेश के ढाका की तुरंग नदी के आसपास करीब 160 एकड़ के इलाके में ये पूरा जमावड़ा 3 दिनों के लिए लगता है। आमतौर पर ये भारत में लगने वाले कुंभ की तरह होता है। इसमें हिस्सा लेने वाले खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। हज के बाद बांग्लादेश में लगता है दुनिया का दूसरा बड़ा मुस्लिम जमावड़ा। हज के बाद हर साल बांग्लादेश में दुनिया भर से लाखों मुस्लिम आते हैं। ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं, स्टेशन लोगों से भरे होते हैं। ये जमावड़ा ढाका के पास तुरंग नदी के पास लगता है। हाल ही में कोरोना के चलते 2 साल के अंतराल के बाद ये आयोजित हुआ है। जमावड़े का पहला चरण खत्म होने के बाद इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो जाहिर करती है कि जमावड़ा कितना जबरदस्त होता है। ट्रेन अंदर तो पूरी तरह भरी है, जिसे जगह नहीं मिल पाई वो ट्रेन के डिब्बों के ऊपर चढ़ गया। यहाँ तक कि भारी भीड़ ने ट्रेन के इंजन को भी नहीं बख्शा। दरअसल बांग्लादेश में ढाका के बाहरी इलाके में एक सालाना मुस्लिम धार्मिक जमावड़ा लगता है। इसे विश्व इज्तिमा के नाम से जाना जाता है। इज्तिमा का मतलब होता है जमावड़ा। इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। हर साल यहाँ ऐसे ही भीड़ देखी जाती है। इस आयोजन में भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ब्रिटेन सहित कई देशों के श्रद्धालु शामिल हुए। लिहाजा ढाका में तकरीबन हर ट्रेन का यही हाल रहा। इज्तिमा से वापस लौटने वाली भीड़ इज्तिमा मैदान के पास उपलब्ध बसों, मिनी ट्रकों और परिवहन के अन्य साधनों में ठसाठस भरी रही। बांग्लादेश के ढाका की तुरंग नदी के आसपास करीब 160 एकड़ के इलाके में ये पूरा जमावड़ा 3 दिनों के लिए लगता है। आमतौर पर ये भारत में लगने वाले कुंभ की तरह होता है। इसमें हिस्सा लेने वाले खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं।